हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में भाई हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग ये तो जानते होंगे कि जब कभी भी हम लोगों को मच्छर काटते हैं तो जहाँ पे वो काटते हैं वहाँ पे फूल आता है निकल। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो मच्छर हम लोगों को जब काटते हैं तो वहाँ पे स्वेलिंग क्यों हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन क्यों हो जाती है? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आपको बता दें कि जब मच्छर या मॉस्किटो हम लोगों को जिस जगह में काट लेता है वो जो फूल आता है उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जो मच्छर होता है वो हम लोगों की स्किन को ब्रेक कर देता है और जो उसके अंदर का सलाइवा होता है वो हम लोगों के अंदर चला जाता है। जो सलाइवा होता है वो हम लोगों के बॉडी के अंदर चला जाता है और हम लोगों के बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है यानी कि बॉडी को बचाने वाला जो एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि बाहर से कोई चीज़ हम लोगों के बॉडी के अंदर आई, फॉरेन पार्टिकल कोई बॉडी के अंदर चला गया, अब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब वहाँ पर वो जो होगा वो हिस्टामिन को एक्टिवेट कर देगा। हिस्टामिन जो होता है वो हम लोग के बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है और वहाँ पे हिस्टामिन के साथ साथ वो WBC को भी भेज देगा। WBC भी हम लोग के डिफेंस मैकेनिज्म में ही काम करता है। तो जब ये वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC और ब्लड फ्लो जब बढ़ जाता है तो वहाँ पे तुरंत स्वेलिंग हो जाती है और इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो मच्छर के काटने पर हम लोगों को स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन क्यों हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।